नोएडा में अगले हफ्ते से नोएडा प्राधिकरण अवैध फार्म हाउस को गिराने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। दरअसल यह वो सभी फार्म हाउस है जो यमुना नदी के डूब क्षेत्र में अवैध तरीके से बनाए गए थे। इससे पिछले सप्ताह नोएडा प्राधिकरण के कुल 62 फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया था। आपको बता दें कि यमुना नदी के डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस का पता लगवाने के लिए प्राधिकरण ने एक सर्वे करवाया था, जिसकी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में कुल 1000 अवैध फार्म हाउस बने हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर फार्म हाउस 2015 से 2021 के बीच बने थे, जिसके बाद अब अगले हफ्ते में इन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्राधिकरण इसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनाएगा। नोएडा प्राधिकरण के सर्वे में 1000 अवैध फार्म हाउस होने की बात सामने आई। यह सभी फार्म हाउस यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिनमें से लगभग 700 पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं और 300 का अभी काम जारी है। वहीं प्राधिकरण का कहना है कि यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में पक्का निर्माण करना मना है, लेकिन लोगों ने प्राधिकरण के कहने के बाद भी अवैध निर्माण किया है। प्राधिकरण ने इससे पिछले हफ्ते में 1 जून को अवैध निर्माण पर कार्यवाही की थी और सेक्टर 150-151 के तिलवाड़ा गुलावली गांव के आसपास बने 62 फार्म हाउसों को गिरा दिया गया था। जहां एक ओर नोएडा प्राधिकरण ने लगभग 1000 अवैध फार्म हाउस की पहचान की है, वहीं इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी प्रसून द्विवेदी ने बताया कि यमुना डूब क्षेत्र में करवाए गए गांवों के सर्वे में लगभग 1000 अवैध फार्म हाउस बने होने की बात सामने आई, जिन्हें गिराने की कार्यवाही अगले हफ्ते से शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।